हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीप शात्रा एंड आप देख रहे हैं ओनली फॉर डिज़ाइन। तो चले आए नया वीडियो लेके। आज तो आज क्या करेंगे, आज करेंगे एक एचटीएमएल वेबसाइट को एकदम स्टार्टिंग से कैसे हम वर्डप्रेस पे सेटअप करें, कैसे वर्डप्रेस पे सेटअप करके कैसे डेवलपमेंट करें, कैसे डायनामिक करें, एकदम स्टार्टिंग से बनाएंगे। वीडियो आज थोड़ा लंबा होगा, हो सकता है 2-3 भाग में हो सकता है, देखते हैं। चलिए आज ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं है, वीडियो भी बड़ा होगा तो ज़्यादा कुछ नहीं है बोलेंगे, देखते हैं क्या कितना बना सकते हैं। तो बनाने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल पे जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड पास में जो बेल बटन है उसे हिट कर दीजिए, तो सबसे पहले मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, प्लीज़ ऐसे सपोर्ट करते रहिए मेरे चैनल को ग्रो होने पे। एंड और भी बहुत सब्सक्राइबर चाहिए, प्लीज़ थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए, थैंक यू सो मच। तो देखिए ये जो वेबसाइट है ये मैंने खुद बनाया है, ये जो वेबसाइट है अब देख सकते, पूरा वेबसाइट आपको एक बार दिखा लेता हूँ। ये जो वेबसाइट है कितना अच्छा एनिमेशन है देख सकते, ठीक है। ये वेबसाइट को हम पूरा HTML में है, मेरा पूरा HTML में है, इसको जस्ट हम क्या करेंगे PHP वर्डप्रेस में कन्वर्ट करेंगे। देखिए अबाउट पेज, ठीक है, सर्विस पेज में जाते हैं, सर्विस गैलरी, ठीक है, एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। कितना अच्छा, देखिए कितना सुंदर है। तो चलिए स्टार्ट करते, ये फाइल को हम थोड़ा ओपन कर लेते हैं सबलाइन में, सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छा है। ये जो फाइल है इसे हम ओपन कर लेते हैं। देखिए ये फाइल क्या है ना, ये फाइल PHP में हम जस्ट एक्सटेंशन जो होता है .html होता है, हम उसको जस्ट PHP में करके रखा है, क्योंकि हमको हेडर फुटर अलग करना है, हेडर फुटर अगर अलग कर दिया तो ये साइट नहीं चलेगा। तो हमने जस्ट क्या किया, index.php HTML को चेंज करके जस्ट PHP कर दिया एक्सटेंशन, देन इसको हेडर को इंक्लूड कर दिया। आप देख सकते हैं हेडर को जस्ट हमने यहाँ पे PHP टैग के अंदर इंक्लूड हेडर .php को हेडर कर दिया एंड फुटर में भी ऐसे इसको इंक्लूड कर दिया, ठीक है। जस्ट इतना ही किया हुआ है और कुछ नहीं किया, क्योंकि अगर हम एकदम HTML को PHP में कन्वर्ट करें, एक्सटेंशन चेंज करते रहे उसके में थोड़ा टाइम लगता है, तो हम इतना करके रखे हैं। तो चलिए कुछ कुछ चीज़ मुझे चाहिए इसके अंदर, तो हम दूसरा कोई साइट से हम ले लेते हैं। मेरे पास 2-4 साइट है, तो क्या चाहिए उससे भी बहुत अच्छा चीज़ है, मैं एक वर्ड फाइल आपको बना के रखा हूँ वो आपको दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे जितना सा कोड मुझे चाहिए एक HTML को वर्डप्रेस में कन्वर्ट करने के लिए, जितना भी कोड चाहिए PHP का सब हम लिख के रखिए, कौन सा कोड कहाँ पे यूज़ करते हैं सब हमने कमेंट करके लिख के रखे, ये कोड दे देंगे आपको, प्लीज़ एक बार ट्राई कर लीजिएगा, मुझे लगता है बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वर्डप्रेस में हेडर को ऐड करने के लिए ये वाला कोड यूज़ होता है, ठीक है। तो हम जस्ट इंडेक्स को हम सेव करेंगे होम बोल के, इंडेक्स को सेव करेंगे होम डॉट पी, ऑलमोस्ट पी ऑलरेडी PHP में ही है, तो हम होम बोल के सेव कर देंगे एंड जो हेडर है हेडर पे ये वाला कोड बिठा देंगे। इसके अंदर है देखिए टेम्पलेट नेम एंड डिस्प्ले ऑनली, तो इसको दोनों को हम सॉल्व करके होम कर देंगे। एंड जो ये है मेरा डेटाबेस का जो नाम होगा उसको देना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये ऑलरेडी मेरा दिया हुआ है बिल्ड लाइन बिल्ड, तो इसको हम देंगे ओनली फॉर डिज़ाइन, ओनली फॉर डिज़ाइंस, ओके। तो ओनली फॉर डिज़ाइंस दे दिया, देन हमको फुटर में देना है, फुटर के लिए कौन सा देना है, देखिए यहाँ पे गेट फुटर, जस्ट इसको कॉपी करेंगे एंड फुटर में जाके इंक्लूड फुटर के बाद बदले में गेट फुटर php.get footer, आप देख सकते हैं जस्ट गेट फुटर, ठीक है। तो ये हमारा दे दिए, तो मेरा होम में हो गया सेटअप। देन हम इसको क्लोज कर देते हैं, देन अबाउट पे जा रहे हैं, अबाउट पे भी जाएंगे, देन इसको कॉपी करेंगे हेडर पे बैठते बैठा लिया,
तो ऐसे करके सब में करना है। तो हम थोड़ा वीडियो को पॉज कर रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम लगता है इसमें। हम पूरा सब में इस पर जाएंगे। जस्ट देखिए, होम को सिलेक्ट कर लिया, इसको चेंज कर देंगे, अबाउट चेंज कर दिया, एंड डेटाबेस को भी चेंज कर देंगे ओनली फॉर डिज़ाइन नाम के, ओनली फॉर डिज़ाइंस, ओनली फॉर डिज़ाइन बोल के सेव कर दिया है। एंड फुटर को भी ऐड कर देंगे, फुटर को हमने ऐड कर दिया। तो ऐसे करके हमको सब में देना है, ठीक है। तो हम बाकी वीडियो को पॉज करके बाकी में देखे फिर आते हैं, ठीक है। तो आ गया फिर से। तो आप देख सकते हैं मेरा जो पूरा जो फाइल है सब में हम हेडर फुटर ऐड कर लिए, ठीक है। अभी क्या करना है, लिंक करना है। देखिए, जो हेडर में जितना भी फाइल लिंक किया है, जितना भी फाइल बोलिए, एक्सटर्नल फाइल बोलिए, इमेजेस बोलिए, जितना भी है इमेजेस, एक्सटर्नल फाइल्स, जितना भी लिंक है सबको हमको लिंकअप करना है। तो कैसे लिंकअप करना है, उसके लिए मेरा भी कोड है मेरे पास, उसको कोड ये वाला कोड है, देखिए फाइल लिंक कोड, इसको हम कॉपी कर लेंगे। हम सब में यहाँ पे लिख दिया है कौन सा कोड किसके लिए, जस्ट एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। देन हम जस्ट इसके बाद हम इसको बिठा देंगे, जस्ट इतना ही और कुछ नहीं। जितना लिंक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम इसको जूम कर रहे हैं, आप देखिए यहाँ पे क्या है, css के अंदर animate.css है, जस्ट css के पहले हम इसको पेस्ट कर देंगे, देखिए ऐसे करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ऐसे करके सब में आपको पेस्ट करना है सबसे पहले। तो क्या होता है ना, वर्डप्रेस के अंदर ये लिंक हो जाता है स्टाइल। तो ये मेरा हेडर का हो गया, इसके अंदर मेरा इमेजेस है। तो इमेजेस कहाँ, इमेजेस देखिए, लोगो एक इमेज है, उसके पहले हमने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। ऐसे करके फुटर में भी जाएंगे, फुटर में भी मेरा लोगो है, लोगो पे पेस्ट कर दिया उससे पहले। एंड जितना भी कोड है, लिंक है, लिंक के आगे दे देंगे, सब में दे देंगे ऐसे करके। तो हमने सब में दे दिया, ठीक है। अभी होम पेज में जाएंगे हम, होम पे गए, देखिए यहाँ पे बैनर पे इमेज है, बैनर पे देंगे इमेज को। तो एक काम करते हैं, अभी हम फिर से पॉज कर रहे हैं, जितना सारा इमेजेस है सबके पहले हम ये कोड जस्ट पेस्ट करके आते हैं, ठीक है। फिर से पॉज कर रहे हैं हम। तो आप देख सकते हैं मेरे पास होम पेज में, मैं अब ओनली होम पेज पे लिंक किया हूँ, जितना भी इमेजेस है सब में हम वो कोड पेस्ट कर दिया, ओनली होम पेज में किया हूँ। जब जब दूसरा कोई पेज आएंगे उसमें हम पेस्ट करते जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा अभी सेटअप लगभग हो गया, क्योंकि मैंने हेडर पे एंड फुटर पे लिंक पेस्ट किया हो एंड होम पेज पे। तो बाकी पेज पे भी करना है, तो अभी नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं करने से क्या होता है वो आपको दिखाना चाहिए मुझे, तो वो हमको करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, विल लिंक ये नाम को कॉपी करेंगे, उसके पहले हम जो मेरे पास वर्डप्रेस डाउनलोड किया हुआ है ऑलरेडी, ये लेटेस्ट वर्जन है 5.2.2, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। एंड बिन लाइन मेरा जो नाम है, सॉरी बिन लाइन मेरा, इसको रीनेम करना है, सॉरी। तो ठीक है, हम रीनेम कर लेंगे। पहले क्या करते हैं, इसको कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके जो वर्डप्रेस है, देखिए वर्डप्रेस के अंदर जाएंगे, कंटेंट थीम्स, थीम्स के अंदर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। एंड इसका नाम चेंज कर दें ओनली फॉर डिजाइन्स, जो मेरा डेटाबेस नाम रहेगा वही नाम यहाँ पे देंगे, ठीक है। तो मेरा डेटाबेस नाम, इससे हम मेरा अभी भी डेटाबेस क्रिएट नहीं किया हूँ, अभी डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो डेटाबेस क्रिएट करने से पहले आपको एक चीज़ चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ चाहिए, पहले ही दिखाना था मुझे, हम भूल गए, कौन, जैम सर्वर। वर्ड कोई भी डेवलपमेंट करने के लिए पीएचपी बोलिए, वर्डप्रेस बोलिए, जितना भी डेवलपमेंट है सब करने के लिए एक
ऑफलाइन सर्वर मुझे चाहिए। तो ऑफलाइन सर्वर होता है जैम वैम सबसे बेस्ट है, तो ये मेरा जैम है। जैम पे जस्ट अपाची एंड MySQL को स्टार्ट कर लेंगे, देन इसको क्लोज कर देंगे। ये मेरा यहाँ पे क्लोज ऑन रहता है, ठीक है। तो हम जाएंगे अभी ब्राउज़र पे, देन लिखेंगे लोकल होस्ट PHP MyAdmin, देन इंटर। देन हमको यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करना है, तो हमको डेटाबेस पे क्रिएट कर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस, देन हम ओनली फॉर डिज़ाइंस को पेस्ट कर दिए, देन क्रिएट। तो मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इसी नाम से हमको फोल्डर देना है। यहाँ पे थीम के अंदर हमने थीम बना लिया, ये मेरा थीम है। थीम्स के अंदर मेरा ओनली फॉर डिज़ाइन नाम से एक थीम है। देन ये जो बाहर का जो फोल्डर का नाम है वर्डप्रेस, इसे भी ओनली फॉर डिज़ाइन नाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरा आ गया ओनली फॉर डिज़ाइन। एंड इसके अंदर जो व्हील लाइन मेरा नाम था उसको हम डिलीट कर दिया। अभी ओनली फॉर डिज़ाइन के अंदर WP कंटेंट के अंदर थीम्स के अंदर जो है उसको हम सबलाइन में ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन कर लिया, लेकिन मुझे क्या चाहिए, दो तो चीज़ और भी चाहिए। एक चाहिए इसका एक स्क्रीनशॉट चाहिए, ठीक है। तो इसका हम प्रिंट स्क्रीन ले लेते, प्रिंट स्क्रीन ले लिया। देन हम जाएंगे प्रिंट पे, पेंट पे जाएंगे, इसको पेस्ट किया, देखिए आ गया। इसको थोड़ा मैं कर लेता हूँ, देन इसको सेव करेंगे, सेव एज स्क्रीनशॉट नाम देंगे, स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट नाम होगा, देन हम सेव करेंगे जैम के अंदर स्टीडॉक्स। देन मेरा जो फोल्डर है ओनली फॉर डिज़ाइन WP कंटेंट थीम्स के अंदर जो ओनली फॉर डिज़ाइन से उसमें हम स्क्रीनशॉट नाम से सेव कर देंगे। तो यहाँ पे सेव कर दिया। और भी मेरा दो चार फाइल लगेगा, तो हम कहाँ से लेंगे, वो फाइल हम ले लेंगे रेस्टोरेंट बोल के मेरा एक वेबसाइट पहला जो वीडियो बनाया था रेस्टोरेंट का, उसका जो कॉन्वर्ट करने दिखाए थे वो वाला वेबसाइट से हम ले लेते। 203 फाइल लगता है मुझे। देखिए यहाँ पे इंक्लूड बोल के एक फाइल होता है, इंक्लूड को ले लेंगे, सिलेक्ट करेंगे। देन फंक्शन बोल के एक फाइल होता है, फंक्शन को लेंगे। देन ऑप्शन बोल के एक फाइल होगा, देन स्टाइल एंड WP बूटस्ट्रैप नैप वॉलकर, ये 4-5 फाइल को हम कॉपी कर लेंगे। एंड इंडेक्स को भी कॉपी करेंगे, इंडेक्स में ज़्यादा कुछ नहीं रखता हमारे, वहाँ पे जो इंडेक्स है उसको जस्ट रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। देन ओनली फॉर डिज़ाइन WP कंटेंट थीम्स ओनली फॉर डिज़ाइन के अंदर पेस्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं ओनली index.php को हम रिप्लेस कर देंगे। तो मेरा यहाँ पे आ गया, तो हम इसको खोल लेते। इसको थोड़ा जो फाइल हम वहाँ से लिया उसको थोड़ा नाम चेंज करना पड़ेगा, तो पहले हम चेंज करेंगे, फंक्शन पे जाएंगे, ठीक है। तो फंक्शन में आ गया, यहाँ पे देखिए फंक्शन में जितना नाम लिखा है सबको हम कॉपी करेंगे। मेरा जो डेटाबेस नाम है ओनली फॉर डिज़ाइन को कॉपी कर लेते पहले, देन फंक्शन में जाते। देखिए फंक्शन में यहाँ पे क्या है, पेपर लिंक बोल के सब लिखा हुआ है, तो हम Ctrl+D से सब पेपर लिंक को सिलेक्ट कर लेंगे, इतना सही है, ठीक है। Ctrl+D से सिलेक्ट कर लिया, पेपर लिंक जहाँ जहाँ है सब सिलेक्ट हो गया, देन Ctrl+Paste। तो मेरा ओनली फॉर डिज़ाइन हो गया, फंक्शन डॉट का काम ख़त्म। देन हम जाएंगे ऑप्शन पे, ऑप्शन में भी जहाँ जहाँ रेस्टोरेंट लिखा है उसको जस्ट Ctrl+D से सिलेक्ट कर लेंगे, देन पेस्ट। जस्ट मेरा डेटाबेस नेम को देना है, वहाँ पे पेपर लिंक क्यों लिखा था, मेरा पेपर लिंक बोल के एक वेबसाइट था उसका हम function.php उस function.php जो फाइल है उसका ही है, हम वहाँ से कॉपी किए थे तो उसको चेंज करना भूल गए थे, तो इसलिए वहाँ पे पेपर लिंक लिखा है। जस्ट डेटाबेस नेम आपको मिल जाएगा पहले ही, कौन सा डेटाबेस नेम है उसको जस्ट चेंज करना है, ठीक है। एंड देखिए function.php पे जाते हैं, यहाँ पे देखिए डेटाबेस नेम साफ पैकेज सिंस, यहाँ पे डेटाबेस नेम लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो ऐसे करके सब फंक्शन में लिखा हुआ हम फाइल ले देंगे। आप ये function.php फाइल को रख सकते हैं, ये बहुत काम का है, ये हम एक सेटअप है मेरा, ये आपको दे देंगे, आप रख सकते हैं। आप एवरी
जितना भी वेबसाइट डेवलपमेंट करेंगे वहाँ पे आप ये यूज़ कर सकते हैं, जस्ट डेटाबेस नाम चेंज करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत कम का है, हमने एक सेट करके रखा है। देन हमको क्या करना है, स्टाइल और CSS। देखिए स्टाइल और CSS में ज़्यादा कुछ नहीं करना, थीम नेम देना है, यहाँ पे थीम नेम दे देंगे ओनली फॉर डिज़ाइन, एंड कौन क्रिएट किया है उसका नाम देंगे, मेरा नाम दीप। ठीक है, कौन क्रिएट किया है, ऑथर का नाम दे देंगे, मेरा नाम दे देंगे दीप। तो देख सकते हैं इतना ही कुछ और कुछ नहीं है। तो मेरा फाइल सेटअप हो गया, पूरा जो वर्डप्रेस का फाइल है ये सेटअप है मेरा भी। तो हम जाएंगे यहाँ पे लोकल होस्ट पे जाएंगे, ओनली फॉर डिज़ाइन लिखेंगे, ओनली फॉर डिज़ाइंस लिखेंगे, देन एंटर। अभी ये इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो इंग्लिश पहले, मेरा लैंग्वेज इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, देन लेट्स गो। तो डेटाबेस नेम है मेरा ओनली फॉर डिज़ाइंस, यूज़र नेम पहले हम कुछ नहीं देंगे, पहले जस्ट रूट देंगे यहाँ पे रूट, एंड पासवर्ड कुछ नहीं देंगे। ठीक है, ये ऐसे करके पहले फिल करेंगे हम, पासवर्ड कुछ नहीं देंगे, यूज़र नेम रूट देंगे, एंड डेटाबेस नेम जो मेरा है ओनली फॉर डिज़ाइन और डेटाबेस नेम दे देंगे, देन सबमिट, देन रन द इंस्टॉलेशन। रन कर दिए, हाँ देखिए यहाँ पे आता है साइट नेम, तो साइट नेम हम ओनली फॉर डिज़ाइन दे देते हैं। यूज़र नेम आप जो कोई भी दे सकते हैं, आपको याद रखना है यूज़र नेम पासवर्ड याद रखना है और सेव करके रखना है। तो मेरा ही नाम दे रहा हूँ चैलेंज का, ओनली फॉर डिज़ाइन, एंड पासवर्ड भी ओनली फॉर डिज़ाइन दे रहा हूँ। तो लिख रहा है वेरी वीक पासवर्ड, तो हम कन्फर्म पासवर्ड हम लिख रहे हैं यहाँ पे, कन्फर्म कर दिया, कन्फर्म यूज़ ऑफ वीक पासवर्ड। ठीक है, देन ईमेल आईडी देना है, एक मेरा ईमेल आईडी दे दिया, देन इंस्टॉलेशन, इंस्टॉल वर्डप्रेस। तो मेरा वर्डप्रेस अभी इंस्टॉल हो रहा है, देन हम इसको सेव कर लिए, देन लॉगिन। देखिए लॉगिन हो गया, हम जे पासवर्ड एंड यूजर नेम को सेव कर लिए थे इसलिए यहाँ पे आ गया, देन लॉगिन। ये मेरा आ गया डैशबोर्ड, ये मेरा आ गया डैशबोर्ड। ठीक है, तो अभी अगर हम साइट बिजी साइट करें, देखिए क्या आता है, अगर हम बिजी साइट करें तो ऐसा आ रहा है। क्यों ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने तो अभी मेरा थीम जो है थीम को सिलेक्ट नहीं किया था। तो हम अपीयरेंस पे जाएंगे, देन थीम्स, देखिए ये है मेरा थीम्स। ठीक है, ये हो एक दो तीन, यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट थीम था पहले आपको दिखा देते बैक करके, देखिए ये दो तीन, ये तीन थीम था और ये वाला तीन थीम है, यानी ओनली फॉर डिज़ाइन मेरा थीम है। तो इसको एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए अभी यहाँ पे देख सकते हैं मेरा होम पेज आ गया। ठीक है, तो अभी इस पे हम क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं खुलेगा, देखिए जस्ट ऐसे ही आएगा, जहाँ पे क्लिक करेंगे जस्ट ऐसे ही आएगा, क्योंकि हमने अभी इसको बनाया नहीं है, बाकी पेज को ऐड नहीं किया हूँ। ठीक है, तो हमको क्या करना है, बाकी पेज को ऐड करना है, जाएंगे पेज पे, देन यहाँ से ऐड न्यू, ऐड न्यू पे क्लिक किया, देन हम यहाँ पे ऐड टाइटल होम दे देंगे, पहले होम, पहले हम होम पेज को ऐड करेंगे, देन यहाँ पे देखिए डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट लिखा है, हमको टेम्पलेट चूज़ करना है। तो हमने यहाँ पे आपको लिखे थे टेम्पलेट नेम, डिस्प्ले ओनली होम टेम्पलेट, ये क्यों लिखे थे अभी आपको बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है, सॉरी होम को ऐसे लिखना है डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट, तो हम जस्ट चूज़ करेंगे यहाँ से होम, यहाँ से होम चूज़ कर दिया, मेरा जो टेम्पलेट हमने वहाँ पे यूज़ इसलिए किए थे जो ये हम एक टेम्पलेट बना सके, तो होम को यूज़ कर दिया, देन पब्लिश। ठीक है, देन फिर से नया करेंगे ऐसे करके होम, देन अबाउट अस, देन अबाउट, ओनली अबाउट करता हूँ, देन यहाँ से टेम्पलेट चूज़ करेंगे अबाउट का, देन पब्लिश। देखिए देन ऐसे करके सब पेज हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, जितना भी मेरा पेज है सबको ऐड कर लेंगे,
गैलरी, गैलरी को सिलेक्ट कर लिया, एड न्यू, देन इसको कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट कर लिया। अभी क्या है, मेरा यहाँ पे जो सर्विस है उस पर ड्रॉप डाउन है, ठीक है। सर्विस पर सिंगल सर्विस का कोई पेज अभी नहीं है, मेरा पेज है, उसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाएंगे। सिंगल सर्विस पेज को हम कैसे ऐड करें एंड वहाँ से ड्रॉप डाउन से कैसे बनाएंगे पेज, उसको हम दिखाएंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, जस्ट एक पेज बनाएंगे जस्ट सर्विस बोल के, उसको उसमें कोई टेम्पलेट चूज नहीं करेंगे, जस्ट सर्विस बोल के, सर्विसेज बोल के एक पेज हम ऐड करके जस्ट रखें, उसको कोई टेम्पलेट चूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो मेरा पेज देखिए सब हो गया। अभी जाएंगे मेनू पे, मेनू अपीयरेंस, देन मेनू, देन यहाँ पे एक नया मेनू क्रिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पे करेंगे जस्ट हेडर मेनू, ठीक है, हेडर, देन हम दे देंगे हेडर मेनू, देन क्रिएट न्यू, देन ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल पेज इन दिस मेनू, ऑटोमेटिक हो जाएगा। देन प्राइमरी मेनू एंड हेडर मेनू, तीनों को सिलेक्ट कर देंगे, देन सेव कर देंगे। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे होम, अबाउट, गैलरी, कॉन्टैक्ट, सर्विस को ऐड मेनू करेंगे। तो इसको सही तरह से सजा लेते हैं, होम के बाद अबाउट, देन सर्विस, देन कंटेंट, देन गैलरी, ठीक है, देन सेव। अभी भी मेरा काम नहीं हुआ, देखिए अभी भी अगर यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे करके हम गैलरी पे जाना चाहते हैं तो ये नहीं खुलेगा, क्यों, क्योंकि हमारा मेनू डायनामिक नहीं है। तो अभी दिखाएंगे मेनू को कैसे हम डायनामिक करेंगे, ठीक है। तो चलते होम पेज पे, ये होम पेज है, नहीं हेडर पे जाएंगे पहले, मेरा मेनू हेडर पे है, देखिए ये मेरा मेनू है, इतना सा मेनू। तो मेनू के लिए कोड है मेरे पास, मेनू का कोड देखिए इतना है मेनू का कोड, इसको कॉपी जस्ट एंड जो यूएल है, यूएल से यूएल तक, यूएल जहाँ से स्टार्ट हुआ वो और जहाँ पे ख़त्म हुआ उसको हम जस्ट इंटर करेंगे जहाँ से स्टार्ट हुआ, देन पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सजा लेना आप ठीक टाइम पे। देन देखिए जो यूएल है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, जो यूएल है नैब नैबर नैब नैबर राइट, इसको हम कॉपी कर लेंगे जस्ट, यूएल के अंदर जो क्लास है इसको कॉपी कर लेंगे एंड मेनू क्लासेस, यहाँ पे लिखा है मेनू क्लासेस, देन मेनू क्लास पे हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। एंड ये जो नैब मेनू है इसको हम डिलीट कर देंगे, देन सेव। ज़्यादा कुछ नहीं किया हमने, जस्ट मेनू क्लास के अंदर यूएल में जो लिखा था, जो क्लास लिखा था उसको हम कॉपी करके बैठा दिया, यानी यूएल को हम कट कर लेंगे, कट करके अलग से एक फाइल में रख देंगे, क्योंकि अब नहीं होगा तो फिर से मुझे वहाँ से चाहिए। तो हम सेव किया, देन यहाँ पे रिफ्रेश, नहीं हो, क्यों, हार्ड रिफ्रेश दे रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा है, क्या हुआ क्या हुआ, हेडर, ओ हाँ सर ये मेरा यहाँ पे कुछ पड़ गया, तो यहाँ पे तो आ गया, देखिए अब आप देख सकते हैं आ गया, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसे क्यों आ रहा है, देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, तो मेनू ऐड कर लिया, अगर हम यहाँ से कंटेंट को डिलीट कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, देन सेव करता हूँ, सेव हो गया, देखिए यहाँ पे जो कंटेंट है हम रिफ्रेश करने से चला जाएगा, रिफ्रेश करने से कंटेंट, कंटेंट बोल रहा हूँ, कॉन्टैक्ट चला गया, देखिए कॉन्टैक्ट पेज चला गया। तो फिर से हमको कॉन्टैक्ट पेज ऐड करना है, तो यहाँ पे जाएंगे कॉन्टैक्ट, देन ऐड मेनू, देन कॉन्टैक्ट, सेव मेनू, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, देखिए कॉन्टैक्ट पेज आ गया। देन मान लीजिए और एक पेज हमको ऐड करना है, तो मान लीजिए सिंपल पेज है यहाँ पे, इसको ऐड मेनू किया, देन सेव मेनू, देन यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो देखिए ये सिंपल पेज आ गया। तो ऐसे करके हम मेनू को डायनामिक कर लिया। तो जस्ट हम क्या करेंगे, सिंगल मेनू को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ एंड यहाँ पे
पेस्ट कर दे, सेव कर दे रहा हूँ। यानी यहाँ पे रिफ्रेश, देखिए जितना भी मेनू हमको चाहिए एक एक करके ऐसे बना सकते हैं। तो अबाउट पेज पे जा रहा हूँ, देखिए मेरा पेज आ गया मेरा, ठीक है। सर्विस पेज को हमने ऐड नहीं किया अभी, देन गैलरी पेज पे जा रहा हूँ, देखिए गैलरी पेज ऐसे आ रहा है, क्यों आ रहा है ऐसा। देन ये कॉन्टैक्ट पेज, अबाउट पेज भी ऐसा आ रहा है। अबाउट पेज में देखिए यहाँ पे इमेज नहीं है, यहाँ पे जस्ट कॉन्टेंट है। गैलरी पेज पे देखिए यहाँ पे इमेज गैलरी नहीं है, क्योंकि हमने जो इमेज का फाइल होता है अबाउट पेज पे, वो इमेज का फाइल हमने अबाउट में लिंक नहीं किया। तो हम इमेज का फाइल थोड़ा ले लेंगे यहाँ से, इमेज को जो ऐड करना है उस फाइल को हम जस्ट ले लेंगे यहाँ से कॉपी, देन अबाउट में जहाँ इमेज है वहाँ पे हम इमेज से पहले पेस्ट कर दिया, सेव। एंड यहाँ पे आप रिप्रेस देखें, हम अबाउट पे जा रहा हूँ, अबाउट पे देखिए इमेज आ गया, ठीक है। इसके ऊपर भी इमेजेस है, इसको जस्ट हम ज़्यादा कुछ नहीं है, जस्ट इमेजेस के पहले लिंक का बटन आए ऐसे करके अब लिंक बैठा दीजिएगा, हाँ बैठा दिया, लिंक दे दिया, सेव एंड रिफ्रेश। देखिए ये भी इमेज आ गया। एंड यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी इमेजेस नहीं है, नाम के ऊपर एक इमेजेस है, यूज़र का इमेज नहीं है, तो हम उसका भी हम लिंक बता रहा हूँ। जितना भी इमेजेस है सब में मुझे लिंक देना है, ठीक है, सब में लिंक देना है। देखिए सब में हम लिंक दे दिया, अभी देख रिफ्रेश कर दिया, देखिए ये वाला एक कोटेशन का इमेजेस है एंड यहाँ पे यूजर का इमेज है। तो ये मेरा अबाउट अस हो गया। एंड देन गैलरी पेज पे जाएंगे, गैलरी पेज पे जाके हमको इस पे लिंक देना है, गैलरी, हाँ गैलरी पेज, यहाँ पे जितना भी है हम उसको हम लिंक देंगे, सब में हम लिंक दे देंगे, जितना भी इमेज का पाथ है सब में हम लिंक दे देंगे। तो देख सकते हैं कितना आसान है, कितना आसान है। अगर हम अभी कोड क्यों लिख के रखे, क्योंकि हम अगर कोड खुद से लिखने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, खुद से कोड लिखने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम कोड रेडी करके रख के आपको दे देंगे, आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा, बहुत आसान है, हम बहुत आसानी से आपको दिखा रहा हूँ कैसे। देन गैलरी देखिए, गैलरी पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, पूरा इमेजेस आ गया, ठीक है। अगर गैलरी क्लिक करें तो गैलरी खोल रहा है। तो अभी एक डायनामिक नहीं है, जस्ट सेटअप है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट पेज में कोई इमेज नहीं है तो इसमें नहीं चाहिए। तो आ गया होम पेज पे, तो मेरा पूरा एकदम सेटअप रेडी है एंड मेरा मेनू भी डायनामिक हो गया। अभी क्या करेंगे, स्लाइडर को डायनामिक करेंगे, एक ही स्लाइडर है तो हम स्लाइडर को डायनामिक करेंगे। देन हम जाएंगे जस्ट function.php को, function.php में जाएंगे, इसको हम रिमूव कर देता हूँ। function.php में आए, इस यहाँ पे एक लिखना है मुझे, ठीक है। तो क्या लिखना है, हम यहाँ से कोड ले लेंगे, कहाँ गया मेरा कोड, सबसे पहले ये है पोस्ट टाइप कोड है। तो पोस्ट टाइप कोड को हमको एक पोस्ट क्रिएट करना है, स्लाइडर के लिए एक पोस्ट क्रिएट करना है, तो पोस्ट टाइप कोड मुझे चाहिए। तो पोस्ट टाइप कोड को हम यहाँ से ले लिया, हाँ यहाँ पे दे रहा हूँ पोस्ट टाइप स्लाइडर एंड इसको हम कमेंट कर दिए। जस्ट यहाँ पे जितना भी स्लाइडर बोल के नाम है, क्योंकि हम जहाँ से कॉपी किया हूँ ये मेरा फाइल, यहाँ पे स्लाइडर बोल के नाम है, देखिए सब में स्लाइडर है। अब कोइंसिडेंस है ये स्लाइडर लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो हमको कुछ नहीं चेंज करना है, जस्ट हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक स्लाइडर बोल के फाइल आ गया, ठीक है, स्लाइडर बोल के एक फाइल आ गया। तो इसमें अगर अभी स्लाइडर हम ऐड करेंगे तो वहाँ पे कुछ नहीं शो होगा, स्लाइडर में कुछ नहीं शो होगा,
वहाँ पे हमको कोड देना है HTML में। तो HTML में सब हम इसको काट दे रहे हैं, अभी मेनू को भी काट दे रहे हैं क्योंकि ये अभी ज़रूरत नहीं, गैलरी काट देंगे, अबाउट काट देते। तो होम पेज पे जाएंगे, देखिए होम, ये मेरा स्लाइडर है। तो हमको एक स्लाइडर है, डायनामिक कीज को कहते हैं, एक चीज़ को हम जितना बार चाहे उसको रिपीट कर सकते हैं, इमेज चेंज करके, कॉन्टेंट चेंज करके, सब चेंज करके एक सेक्शन को हम जितना बार चाहे कर सकते हैं। तो इसे तो यहाँ पे तीन तो आइटम है, देखिए तीन आइटम है। तो तीन आइटम मुझे नहीं चाहिए, हमको जस्ट एक आइटम चाहिए, तीन बार उसको हम रिपीट करेंगे। तो बाकी दो को हम डिलीट कर दे रहा हूँ, बाकी दो को डिलीट कर दिया। तो एक आइटम को चाहिए एंड जस्ट पोस्ट टाइप बनाने के लिए और एक कोड लगता है मुझे। तो इसको हम क्रिएट, पोस्ट क्रिएट करने के लिए और एक कोड लगता है, इस कोड को हम कॉपी कर लिया, देन यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है पोस्ट टाइप, पोस्ट नेम, यहाँ पे पोस्ट नेम देना है मुझे स्लाइडर, जो हम मेरा पोस्ट नेम था स्लाइडर, जस्ट दे देंगे स्लाइडर, जो नाम हम वहाँ पे दिए थे वो नाम यहाँ पे दे देंगे। एंड इसको एंड करने के लिए एंड वाइल, एंड वाइल बोले एक कोड होता है, उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, बहुत आसान है, देखिए ये सब मेरा पहला वीडियो में है, आप देख सकते हैं और भी अच्छी तरह से हमने पहला वीडियो में बनाया। देन टाइटल को कॉपी करेंगे, जो मेरा टाइटल है उसको हम ए करने के लिए, मतलब डायनामिक करने के लिए टाइटल को लिखेंगे, टाइटल पे PHP कोड के अंदर इको गेट द टाइटल, ठीक है। एंड ऐसी तरह से कंटेंट को डायनामिक करने के लिए यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, जस्ट टाइटल को चेंज करके कंटेंट कर देंगे, कंटेंट, ठीक है, ये मेरा हो गया। एंड इमेज को डायनामिक करने के लिए हम, मेरे पास एक कोड है, देखिए ये वाला डायनामिक इमेज लिंक, जो इमेज है यहाँ पे उसको जस्ट हमने इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। अब देख सकते हैं इमेज पाथ पे पेस्ट कर दिया, तो मेरा बैनर डायनामिक हो गया। तो यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, देखिए मेरा बैनर चला गया। तो यहाँ पे स्लाइडर पे जाए, एड न्यू स्लाइडर, तो यहाँ पे टाइटल दीजिए जो आपके मर्जी। तो हम लिखते हैं वेलकम, वेलकम आवर कंपनी, वेलकम आवर कंपनी, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोड कुछ जो मेरा डामी टेक्स्ट है, कुछ डामी टेक्स्ट देंगे, मान लीजिए इतना तक डामी टेक्स्ट हम दे दिया कंटेंट के अंदर। एंड इमेजेस, यहाँ से फीचर इमेज से हम इमेज देंगे बैनर का, तो बैनर का इमेज हम सिलेक्ट कर लेंगे, जाएंगे सी ड्राइव, जैम, HT डॉक्स, देन ओनली फॉर डिज़ाइंस, WP कंटेंट, थीम्स, देन ओनली फॉर डिज़ाइन, देन इमेजेस। इसके अंदर बैनर है मेरा, पहला बैनर ये है, बैनर को कॉपी किया, सिलेक्ट किया एंड देन पेस्ट, देन पब्लिश। अब यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए बैनर मेरा आ गया, देखिए कितना अच्छा बैनर आ गया। तो और भी एक बैनर स्लाइडर हम स्टार्ट करेंगे, ये करेंगे, तो हम यहाँ पे दूसरा कोई कोड देंगे, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन कर दिया। यहाँ पे भी हम थोड़ा सा कोड पेस्ट, जस्ट डामी टेक्स्ट पेस्ट कर दिया। एंड फीचर इमेजेस पे जाके इमेज, बैनर का जो बैकग्राउंड इमेज है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, तो ये हम एक इमेज सिलेक्ट कर लिया, देन सेव, देन पब्लिश। यहाँ पे देख सकते हैं, अब रिफ्रेश करिए, देखिए मेरा पहला इमेज है, देन ये सेकेंड इमेज, हेलो एवरीवन। अब जितना चाहे जितना कुछ लिख सकते हैं यहाँ पे, अपनी की मर्जी है, अब लिख सकते हैं। तो मेरा स्लाइडर हो गया। अभी करेंगे क्या, अबाउट सेक्शन, अबाउट सेक्शन पोस्ट टाइप से नहीं होगा, अबाउट सेक्शन करना पड़ेगा पेज टाइप से, क्योंकि पेज टाइप क्यों है, अगर यहाँ पे हम रीड मोड करेंगे तो ये अबाउट पेज जो है मेरा इस पेज में जाना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे यहाँ पे होम पेज पे, अबाउट पे जो भी लिखेंगे हमको यहाँ पे उसको चेंज करना है, यहाँ पे भी अपडेट हो ऐसे करना है, तो हमको पेज टाइप करना है अभी। तो हम, मेरा भी एक कोड है पेज टाइप का, तो ये देखिए
यहाँ पे हम पेज टाइप का जो कोड है उसको कॉपी कर लिया, देन अबाउट पे जाएंगे, रॉ के ऊपर हम पेस्ट कर देंगे जस्ट, ठीक है पेस्ट। एंड जो एंड वॉइल है यहाँ पे कॉपी किया, एंड जहाँ पे रॉ शेष हो रहा है रो के बाद पेस्ट। अभी यहाँ पे एक मज़ा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है पेज आईडी, यहाँ पे 7 लिखा है, हम जहाँ से पेस्ट किया था उसको 7 पेज आईडी, हमको पेज आईडी कहाँ से मिलेगा, देन हम जाएंगे पेज के अंदर, पेज देखिए होम अबाउट, जस्ट यहाँ पे माउस लिखे जाइए तो यहाँ पे आपका एक पेज आईडी नीचे में दिखेगा, तो है 7, तो यहाँ पे ऑलरेडी 7 लिखा था 7, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पेज आईडी। तो इस यहाँ पे भी हमको जस्ट क्या करना है, टाइटल देना है, कंटेंट देना है और कुछ नहीं है। हम यहाँ टाइटल से यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे जो टाइटल है टाइटल पे दे देंगे, सॉरी कॉपी नहीं हुआ, यहाँ से कॉपी एंड टाइटल को सिलेक्ट करके टाइटल पे दे देंगे, एंड जस्ट कंटेंट के अंदर पी टैग के अंदर ये कंटेंट दे देंगे, टाइटल को चेंज करके कंटेंट लिख देंगे, ठीक है कंटेंट। कंटेंट हम एक पोस्ट के अंदर, एक पोस्ट के अंदर जस्ट एक बारी हम कंटेंट लिख, कोई टैग लिख सकते हैं एक बारी, ठीक है। और इसको भी अगर हम डायनामिक करना है तो हमको और एक चाहिए, तो यहाँ पे है एक्सपर्ट बोल के टैग है, उसको हम यहाँ पे बैठा देंगे, तो ये मेरा डायनामिक हो गया। देन क्या करना है, इमेज, इमेज को भी सेम तरीके से इमेज का जो डायनामिक लिंक है उसको कॉपी करेंगे, इमेज का डायनामिक लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दिए, सेव। देखिए तो मेरा अबाउट पेज हो गया, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अबाउट यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे अबाउट आ गया। क्यों अबाउट आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो मेरा पेज नेम है अबाउट है, यहाँ पे अबाउट आ रहा है, ठीक है। देन यहाँ पे लॉगिन सम आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे लॉगिन सम थोड़ा छोड़ दिया है इसलिए ये आ रहा है, तो उसको सेव कर रहा हूँ। तो हम अबाउट पेज पे जाएंगे, यहाँ पे हम ये है पेस्ट टाइप, आगे पहला वाला किया पोस्ट टाइप, इसको बोलता है पेस्ट टाइप, तो अबाउट आस कर देता हूँ जस्ट अबाउट आस, देन यहाँ पे पैराग्राफ, ठीक है जो मेरा पैराग्राफ था उसको जस्ट कॉपी कर लेंगे, कहाँ से कॉपी करें पैराग्राफ को, मुझे थोड़ा, तो जाएंगे डामी टेक्स्ट लेंगे, डामी टेक्स्ट लॉरी मिम्सम, यहाँ से हम डामी टेक्स्ट से कॉपी कर लेंगे जस्ट, यहाँ से इतना पैराग्राफ कॉपी कर लिया, देन यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए मेरा पैराग्राफ पेस्ट हो गया, और थोड़ा पेस्ट करना है तो और भी पेस्ट कर सकते हैं। देन इमेज हमको देना पड़ेगा, तो इमेज कैसे देंगे, डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है फीचर इमेज पे जाएंगे, सेट करेंगे, देन अपलोड इमेज पे अबाउट इमेज सिलेक्ट कर दिया, देन सिलेक्ट, देन अप, सॉरी देन अपडेट। अभी यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए कुछ नहीं है, अभी रिफ्रेश करूँगा तो पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है ये चेंज होगा। तो यहाँ पे इतना क्यों आ रहा है, यहाँ पे हमने यहाँ पे जगह खाली छोड़ दिया, देखिए डॉक्यूमेंटेशन पे, हाँ ये एक्सपर्ट बोल के यहाँ पे एक फाइल लिए थे, देखिए यहाँ पे जो सर बोल रहे P5 टैग है, यहाँ इसके अंदर हमने कंटेंट नहीं दिया इसलिए वो ऐसा आ रहा है, तो हम जस्ट इसको थोड़ा सा कंटेंट यहाँ से कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, पेस्ट अपडेट, अपडेट हो गया। देखिए ये आ गया, तो मेरा बैनर कंप्लीट ऑलरेडी हो गया है अबाउट। देन अभी अगर अबाउट पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ अपडेट नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ कोड नहीं लिखा। तो अबाउट पेज पे जाएंगे हम, अबाउट पेज यहाँ पे कुछ कोड लिखना है होता है, कौन सा कोड हम यहाँ से जस्ट कॉपी करेंगे, डायनामिक पेज के लिए पेज पे जाएंगे, इसके अंदर हम जस्ट इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है इसको पेस्ट कर दिया, एंड इसको भी एंड करना है,
तो एंड रॉयल को कॉपी करेंगे एंड सबसे नीचे गेट फुटर के ऊपर पेस्ट कर देंगे। तो मेरा हो गया। एंड यहाँ पे जो इमेज है होम के अंदर जो जितना हमने किया हूँ पेस्ट टाइटल 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 को कॉपी करेंगे एंड अबाउट पे जाके जहाँ पे टाइटल है टाइटल के अंदर हम पेस्ट कर देंगे जहाँ जहाँ जो जो कोड हमने वहाँ पे लिखा हो होम पेज पे अबाउट अस के अंदर वही वहाँ पे जाएगा वो हम पेस्ट कर देंगे। देन पेस्ट कर दिया। देन कंटेंट को कॉपी किया हूँ पी को कॉपी कर लेता हूँ एक बार में। देन यहाँ पे जितना पी है पी के अंदर हम पेस्ट कर दिया और अबाउट पेज में रीड मोड हम भी हटा देते हैं रीड मोड। एंड इमेज जो है इमेज का भी लिंक हम यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। हम यहाँ पे सेव कर दिया। अबाउट अस पेज में हम अलग सब इमेज दे सकते हैं। उसके लिए हमको एक प्लगइन यूज़ करना है ACF बोल के एडवांस कस्टम फील्ड। एक अलग सा फील्ड बना के एक अलग सा इमेज हम दे सकते हैं। तो उसके लिए हम एक ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं वो वाला वीडियो आप एक देख लीजिएगा। ये वाला वीडियो आपको दिखा देता हूँ। ये वाला वीडियो हम लिंक दे देंगे। ये वाला वीडियो हम बना चुके कैसे एडवांस कस्टम फील्ड ऐड करें। तो हम नेक्स्ट बार जब इस पार्ट में हम नहीं दिखा पाएंगे इसमें कैसे एडवांस कस्टम फील्ड ऐड करें नेक्स्ट पार्ट में जब हम सर्विस सेक्शन करेंगे और कुछ सेक्शन करेंगे वहाँ पे हम दिखा देंगे। तो चलिए यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे भी ऐसा आ रहा है। ठीक है क्योंकि यहाँ पे गलती हो गई मुझे यहाँ पे जो कोड है एक्सपेक्ट बोल के उसको हमने नहीं बिठाया तो उसको एक्सपेक्ट को कॉपी करेंगे। ये अबाउट P5 के अंदर जस्ट एक्सपेक्ट नहीं बैठा था हम कंटेंट बिठा दिए थे। जरा अभी रिफ्रेश करेंगे देखिए मेरा आ गया। तो अबाउट भी मेरा जो अबाउट सेक्शन है मेरा डायनामिक हो गया। तो मान लीजिए हम अबाउट सेक्शन के अंदर लॉगिन समय अबाउट इसके पहले एक बैठा देता हूँ इसके पहले भी एक बैठा देता हूँ। ठीक है देन हम अपडेट कर रहा हूँ देखता हूँ मेरा डायनामिक हुआ कि नहीं। बैकेंड से हमने अपडेट किया देखिए इसके अंदर पहले भी एक एंड इसके पहले भी एक। ठीक है हम अगर अबाउट पेज पे जाएंगे देखिए इसके पहले भी एक यहाँ पे भी एक। तो इसको हम हटा देंगे तो मेरा डायनामिक हो गया अबाउट पेज। एंड रिफ्रेश कर रहा हूँ यहाँ पे देखिए चला गया। ठीक है देखता हूँ कितना हो गया वीडियो। तो मेरा वीडियो बहुत बड़ा हो गया तो और कौन सा सेक्शन करेंगे वीडियो तो ऑलरेडी बड़ा ही हो रहा है। लगता है यहाँ पे हम इसको आज ख़त्म कर रहे हैं। हम दिखा दिए कैसे सेटअप करते हैं इसमें इस वीडियो में आपको दिखा दिया हूँ कैसे HTML फाइल को वर्डप्रेस में सेटअप करें एकदम स्टार्टिंग से दिखाया हूँ। कोई भी प्रॉब्लम होगा कोई भी कुछ चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए मुझसे पूछिए हम बोल देंगे। तो कोड को भी हमको दे देंगे लिंक दे देंगे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो प्लीज़ कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बोलिए। प्लीज़ लाइक कीजिए कमेंट कीजिए एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आप दिखाएंगे सर्विस सेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्विस सेक्शन में हम कैसे ड्रॉप डाउन लाएंगे मेरा यहाँ पे अभी ड्रॉप डाउन नहीं है कैसे ड्रॉप डाउन लाएंगे कैसे यहाँ पे क्लिक करने से सिंगल सर्विस पेज पे जाएंगे मतलब यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो एक सिंगल पेज पे जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे क्या है 6 सर्विस है अगर हम एक सर्विस पे क्लिक करेंगे पार्टिकल वही सर्विस पेज का ओपन सर्विस पेज ओपन होगा। यही हम दिखाएंगे नेक्स्ट गैलरी पेज को हम दिखाएंगे कैसे डायनामिक करेंगे। देन कॉन्टैक्ट पेज तो ऑलरेडी मैं कुछ वीडियो बना चुका हूँ वर्डप्रेस के ऊपर हम लिंक दे देंगे प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए। ऑलरेडी ऐसे हम वीडियो दो तीन बनाया है तो उसको एक देख लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ 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 लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए and don't forget to subscribe my channel.
तो चलते नेक्स्ट वीडियो में।